चलो बनाते हैं क्रिस्पी प्रॉन्स विद ब्रेड क्रम्स और एक विदाउट ब्रेड क्रम्स। प्रॉन्स फ्राई बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1/2 किलो प्रॉन्स। उसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा और क्लीन कर लीजिएगा। इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, फिर हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच काला मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई धनिया और कड़ी पत्ता के पत्ते मैंने इस्तेमाल किए हैं स्वाद के लिए, नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छी तरह से मिला ले। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च पाउडर और 3 टेबलस्पून चावल का आटा। इसे भी हम मिक्स कर देंगे। हमें डालना है नींबू का रस। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नींबू का रस लिया है। थोड़ा सा डालेंगे हम पानी ताकि ये पूरा जो आटा है प्रॉन्स को अच्छी तरह से चिपक जाए। हमें ये प्रॉन्स का बैटर कुछ इस तरह से गीला करना है थोड़ा सा ताकि ये पूरा प्रॉन्स को चिपक जाए। अब हम इसे मैरिनेट के लिए रखेंगे 1/2 घंटे तक। यहाँ पे हमने लिया है ब्रेड क्रम्स। मैंने घर पे ही ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। बस 2-3 स्लाइस को हम फ्रीज़र में रख देंगे और फिर उसे मिक्सी में से निकाल देंगे तो हो जाएगा ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे हमने प्रॉन्स लिया है ब्रेड क्रम्स में। इसको ब्रेड लगाना है और ये साइड में रख के ऐसे बहुत सारे हमें अभी तैयार करने हैं। साइड में रख देंगे एक डिश में। बस ब्रेड क्रम्स इन्हें लगाना है और साइड में रख देना है। तेल गरम हो चुका है। यहाँ पे हमारे प्रॉन्स हैं, हम एक एक करके डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। यहाँ बन गए हमारे क्रिस्पी प्रॉन्स। और अगर आप विदाउट ब्रेड क्रम्स बनाना चाहते हैं तो हमने जो बैटर लगाया था हम ऐसे भी उसे डाल सकते हैं। यह बन गए हमारे विदाउट ब्रेड क्रम्स क्रिस्पी प्रॉन्स। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।